बढ़िया टीचर्स प्रॉब्लम्स चुटकी में सुलझाएंगे डाउट्स सारी जिंदगी से राज आई गॉट योर डाउट दिस इज योर आंसर वेदांतु लर्न लाइव ऑनलाइन टू अटेंड अ फ्री लाइव क्लास डाउनलोड द ऐप नाउ Guys, hello everyone. Good morning. सत श्री अकाल कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे हैं फुल जोश में तो आज हम कर रहे हैं नीट 2020 का अनदर टॉपिक दैट इज किडनी ट्रांसप्लांट एंड हीमोडायलिसिस ये है आज का हमारा नीट मंत्र जिसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स लेते हैं और उन्हें डिटेल में पढ़ते हैं और जानते हैं उनके बारे में सब चीजें सो दैट नीट का सफर हो जाए बहुत बहुत आसान राइट गाइज सो लेट अस स्टार्ट विद अनदर नीट मंत्र ऑन किडनी ट्रांसप्लांट एंड हीमोडायलिसिस फॉर नीट 2020 So, before I start with the session today, आप मत भूलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना वेदांतु नीट मेड इजी चैनल बिकॉज वी आर कमिंग अप विद लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एवरी डे ऑन आर चैनल राइट गाइज से येस इन द चैट बॉक्स सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल चैनल राइट उसके बाद गाइज लेट मी इंट्रोड्यूस टू द टीम बिकॉज हर दिन बहुत सारे बच्चे हजारों में बच्चे हमसे जुड़ते हैं तो दे शुड नो गौरव सर फिजिक्स पढ़ाते हैं हेमंत सर फिजिक्स पढ़ाते हैं अंकिता मैम बायोलॉजी द रॉक स्टार अरविंद सर को कौन नहीं जानता यस केमिस्ट्री टीचर देन अमृत सर एंड दिस इज मी जो अगेन बायोलॉजी पढ़ाते हैं ठीक है देन गाइज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ठीक है पीडीएफ्स भी मिलते हैं नोटिफिकेशंस भी मिलते हैं कब कौन सा सेशन स्टार्ट होने वाला है उसके बाद गाइज हमारे एक बहुत वंडरफुल ऐप है वेदांतु की ऐप है जहां पे बहुत सारी लाइव क्लासेस होते हैं वंडरफुल क्विजेज होते हैं फिर लास्ट में आपको लीडर बोर्ड भी दिखाया जाता है कि किस पोजिशन पे आप हैं राइट फिर अगर आप ऑल इंडिया रैंक वन की उम्मीद कर रहे हैं और बनना भी चाहते हैं जोश के साथ और अपनी फोटो यहाँ पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है हमारे माइक्रो कोर्सेज यस जैसा नाम वैसा दाम माइक्रो बहुत छोटे एक एक चैप्टर बेस्ड कोर्सेज है ये हमारे और इन चैप्टर बेस्ड कोर्सेज के दाम है सिर्फ 11 रुपीज कितना दाम है सिर्फ 11 रुपीज ठीक है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं लेट मी टेक इट बैक यस आप उसके लिए क्या कर सकते हैं यू कैन यूज माई कूपन कोड GGMIC यस यू कैन यूज माई कूपन कोड GGMIC टू गेट 95% ऑफ यस इतना ऑफ आपको मिल सकता है ठीक है नाउ लेट अस स्टार्ट विद अनदर नीट मंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी ट्रांसप्लांट एंड हीमोडायलिसिस गाइस किडनी ट्रांसप्लांट क्यों कराते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के कुछ रीजन है कि वाई इट इज डन ठीक है सबसे पहली चीज किडनी ट्रांसप्लांट तब होता है जब किडनी कंप्लीटली डैमेज हो चुकी है तो ये एक लास्ट चीज है जब किडनी कंप्लीटली डैमेज हो जाती है तब डॉक्टर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है और इसलिए हमें कराना पड़ता है किडनी ट्रांसप्लांट तो अब देखते हैं इसके सारे रीजंस क्या क्या है व्हाट आर ऑल द रीजंस यस देखो यहां पे व्हाई इज इट डन यहां पे दो चीजें जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ठीक है किडनी फेलियर वो टर्म है जो बताता है कि किडनी की फंक्शनिंग अब लूज होने लगी है ठीक है किडनी की फंक्शनिंग जब लूज होने लगती है तो दिस इज कॉल्ड एज किडनी फेलियर ठीक है जब किडनी फेलियर मैक्सिमम हो जाता है तो नाउ इट लीड्स टू व्हाट किडनी ट्रांसप्लांट ठीक है अब अगर आपको डोनर नहीं मिला मान लो कि आपको ऐसा डोनर नहीं मिला जो किडनी आपको दे रहा है तो उस बीच में हमें कराना पड़ता है हीमोडायलिसिस क्या कराना पड़ता है हीमोडायलिसिस तो पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या बच्चा क्यों किडनी ट्रांसप्लांट बेहद जरूरी है बिकॉज किडनी का फंक्शन होता है आपकी बॉडी से यूरिया यानी नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना अगर ये यूरिया का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा सो द पीएच ऑफ द ब्लड बिकम्स एसिडिक pH of the blood becomes acidic. So, इसलिए बहुत बहुत जरूरी है कि हमें किडनी ट्रांसप्लांट क्यों कराना है क्या क्या reasons है ठीक है तो जैसे कि first है waste starts to accumulate in the blood. जो waste है वो body में accumulate होना शुरू हो जाता है Now, what are the things जो हमें ध्यान रखनी है during kidney transplant? Yes, क्या क्या चीजें जो हमें kidney transplant के time पे ध्यान रखनी बहुत जरूरी है आ जाओ इधर अब हम यहां पे बनाएंगे concept. Yes. Now this is a time for actual making the concept in NEET Mantra, right? अब pen उठ चुका है, अब बनेंगे notes, right? चलो, histocompatibility complex.
सबसे पहले इसके मैं दो नाम बताती हूँ तुम्हें, इसे HLA भी कहते हैं। HLA stand for human leukocyte antigen, leukocyte antigen, ठीक है। और इसे कहते हैं major histocompatibility complex। Now ये जो HLA है, हर एक क्रोमोसोम में आपको पता है कि क्रोमोसोम नंबर 6 होता है। ये जो क्रोमोसोम नंबर 6 है, इसका एक कॉपी मदर से आता है, एक कॉपी फादर से आता है, ठीक है। इस तरीके से आपके होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, एक कॉपी मदर से, दूसरी कॉपी फादर से, ठीक है। जो मदर से कॉपी आई वो एक्सक्लूसिव है, जो फादर से कॉपी आई वो एक्सक्लूसिव है। ये दोनों मिलके एक प्रोटीन बना रहे हैं, उस प्रोटीन का नाम है एमएचसी प्रोटीन। क्या नाम है? एमएचसी प्रोटीन, ठीक है। अब हर इंसान का ये एमएचसी प्रोटीन डिफरेंट है, क्योंकि सबके पेरेंट डिफरेंट है। तो जिसकी सिमिलैरिटी होगी वो कौन से होंगे? सिबलिंग्स, जो बहन भाई हैं, कमिंग फ्रॉम द सेम मदर एंड फादर, दे विल शेयर द सेम टाइप ऑफ एमएचसी प्रोटीन, ठीक है। अदरवाइज सबका ये अलग होता है। तो ये हम कह सकते हैं ये हमारा आधार कार्ड है, ठीक है। यस, एमएचसी इक्वल्स टू आधार कार्ड, ये है ट्रिक टू रिमेंबर। एमएचसी क्या है? आपका आधार कार्ड है। हर इंसान का आधार कार्ड अलग होता है, ठीक है। जिसका बिल्कुल मैच करेगा डिटेल्स में, ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, वो कौन हो गया? आपके भाई बहन, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट चीजें क्या है? सेम है उस पर, ठीक है। तो एमएचसी इक्वल्स टू आधार कार्ड ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब ये एमएचसी प्रोटीन क्या करता है? एमएचसी प्रोटीन बॉडी में टू टाइप्स के होते हैं। बच्चा कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। मैं यहां पर लिख देती हूँ, एक्चुअली आज सुमैया मैम ने मुझे जगह ही नहीं दी लिखने की। एमएचसी वन एंड एमएचसी टू। जो एमएचसी वन होता है वो ऑलमोस्ट हर बॉडी सेल पे होता है, ऑलमोस्ट ऑल सेल ऑफ बॉडी एक्सेप्ट आरबीसी, एक्सेप्ट आरबीसी, ठीक है। जबकि जो एमएचसी टू होता है वो सिर्फ किस पे होता है? मैक्रोफेज, टी हेल्पर सेल, ठीक है, बी सेल्स, इन पे होता है। तो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे आपका कोई एमएचसी मैचिंग नहीं होता है, गाइज आपको पता है क्यों एमएचसी मैचिंग नहीं होता ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे? क्योंकि ब्लड सेल के पास एमएचसी होता ही नहीं है। तो जब एमएचसी होता ही नहीं है तो ब्लड रिजेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए आप अपना ब्लड किसी को भी डोनेट कर सकते हो, जस्ट आपका ब्लड ग्रुप मैचिंग होती है, ठीक है। बट जब आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हो तो दो चीजों की मैचिंग होती है, पहला तो एचएलए यानी एमएचसी, दूसरा होगा ब्लड ग्रुप मैचिंग, ठीक है। तो यानी जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कराते हैं तो उसमें सिर्फ एक चीज की मैचिंग होती है, दैट इज ब्लड ग्रुप, ठीक है। बट जब हम ट्रांसप्लांट कराते हैं ऑर्गन का, तब दो चीजों की मैचिंग होती है, एक होता है एमएचसी, फिर होता है ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर एमएचसी मैच हुआ तो आप कराएंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अगर एमएचसी मैच नहीं हुआ तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है। इवन इफ आप ट्रांसप्लांट कर दो तो आपके जो टी साइटोटॉक्सिक या टी किलर सेल्स है वो धीरे धीरे उस टिश्यू को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए एमएचसी कंपैटिबिलिटी चेक करना बेहद जरूरी है बिफोर ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको अपने नोट्स में लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप लास्ट में अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के चैप्टर के नीचे लिख सकते हैं एनसीईआरटी में ही, ठीक है। राइट गाइज, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं। यस, नाउ दीज आर द फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू यू नो किडनी ट्रांसप्लांट और एनी अदर ट्रांसप्लांट। सबसे पहले ऑटोग्राफ्ट, ऑटो का मतलब सेल्फ, खुद से, ऑटोग्राफ्ट मतलब सेल्फ, ग्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांसप्लांट, यानी कि जब हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो बॉडी के कहीं से बाल निकालते हैं और आगे लगा लेते हैं, ठीक है, थीके? तो उसे कहते हैं बॉडी में ही ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसी चीज का। जैसे प्लास्टिक सर्जरी होगी, आपने थाई की स्किन निकाली और अपने फेस पे लगा ली, तो यहां पे रिजेक्शन नहीं होगा बिल्कुल भी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी बॉडी से निकाली है वो चीज। सो सच टाइप ऑफ ट्रांसप्लांट आर कॉल्ड एज ऑटोग्राफ्ट। यहां पे चांसेस ऑफ रिजेक्शन आर जीरो, चांसेस ऑफ रिजेक्शन आर जीरो, ठीक है। उसके बाद आता है आइसोग्राफ्ट। आइसो मतलब सेम,
यानी कि अगर हमारे पास मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, एक ही जाइगोट से बने हैं, तो उनका जेनेटिक मटेरियल भी सेम है, तो उनका एमएचसी प्रोटीन भी सेम है. तो जब मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बीच में ट्रांसप्लांट होता है, तो अगेन चांसेस ऑफ रिजेक्शन आर वेरी 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 लेस. ठीक है, इसे कहते हैं आइसोग्राफ्ट. ठीक है, अब आते हैं एलोग्राफ्ट या होमोग्राफ्ट. यानी कि यहां पे स्पीशी सेम है. अब आप पब्लिक में जा रहे हो, जैसे चाचा, पहले चाचा, फिर चाची, फिर मामा, फिर मामी, फिर अपने कजन्स, फिर ओपन पब्लिक, बट स्पीशी सेम है. आप अभी इंसानों से ही मांग रहे हैं, तो उसे बोलेंगे एलोग्राफ्ट. फिर जीनोग्राफ्ट, अपनी स्पीशीज में भी कुछ नहीं हुआ तो डिफरेंट स्पीशीज पे पहुंच जाएंगे. तो मैक्सिमम चांसेस ऑफ रिजेक्शन का होंगे राइट इन द चैट बॉक्स. यस, कहां पे होंगे? जीनोग्राफ्ट. उसके बाद मैक्सिमम चांसेस ऑफ रिजेक्शन का होंगे एलोग्राफ्ट. उसके बाद आइसोग्राफ्ट, और थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, एंड होंगे ही नहीं कहां पे, आपके ऑटोग्राफ्ट. तो इस तरीके से हम एक सीक्वेंस बना सकते हैं. तो जब मेरे को अगर किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, तो सबसे पहले मैं अपना ट्विन देखूंगी. ट्विन नहीं है तो फिर मैं चाचा, चाची, मामा, मामा, ताया, ताई, सबके पास जाऊंगी. ठीक है, उसके बाद वो भी नहीं हुआ तो फिर किसी और के पास जाऊंगी, किसी स्पीशीज के पास चली जाऊंगी. ठीक है, तो दिस इज हाउ. अब बेटा ग्राफ्ट रिजेक्शन से बचाने के लिए डॉक्टर्स गिव यू वन ड्रग जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन. व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रग? साइक्लोस्पोरिन ए. दिस इज इम्यूनोसप्रेसेंट. इम्यूनोसप्रेसेंट क्यों देते हैं? जिससे कि ग्राफ्ट सक्सेसफुल हो जाए. ठीक है, इस ये कहां से ऑप्टेन की जाती है? ट्राइकोडर्मा. कहां से ऑप्टेन की जाती है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से. ठीक है, दिस इज अ फंगस. और जो सेल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए, वो कौन से होते हैं? टी साइटोटॉक्सिक, यानी टी किलर सेल्स. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट किडनी ट्रांसप्लांट. लिखा सबने? टेक द स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट, हीमोडायलिसिस. नाउ व्हाट इज दिस हीमोडायलिसिस? क्या आप बच्चे जानते हैं व्हाट इज हीमोडायलिसिस? बताओ जल्दी. डू यू नो अबाउट हीमोडायलिसिस? इट इज अ वेरी कॉमन प्रोसीजर. जब आपको डोनर नहीं मिलता है, तो उस टाइम पे डॉक्टर को मजबूरन हीमोडायलिसिस कराना पड़ता है. कितना हीमोडायलिसिस कराना है वो डिपेंड करता है कि आपकी किडनी कितनी खराब हो चुकी है. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका प्रोसेस. ठीक है, सबसे पहले हीमोडायलिसिस क्या फिल्टर आउट करना है? नाइट्रोजिनस वेस्ट. ब्लड से क्या बाहर निकालना चाहते हैं आप लोग? नाइट्रोजिनस वेस्ट. ये चीज आप बाहर निकालना चाहते हैं ब्लड में से. तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? यहां पे देखो आर्टरी लेते हैं. ठीक है, दिस आर्टरी इज योर रेडियल आर्टरी. कौन सी आर्टरी है बच्चा? ये रेडियल आर्टरी. यही केवल एक ऐसी आर्टरी है जो सुपरफिशियली प्लेस्ड है, मतलब कि ऊपर मिलती है हाथ के. अदरवाइज सारी आर्टरीज बहुत डीप रूटेड होती है. ठीक है, आर्टरी क्यों ली? क्योंकि यहां पर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए लिया. ठीक है, अब यहां से आर्टरी से हमने ब्लड निकाला. ब्लड सीधा हमने हीमोडायलाइजर में भेजा. ठीक है, ये देखो जैसे ब्लड बाहर निकला, टू स्टेप्स आपने ध्यान रखने हैं. सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है. 0 डिग्री सेल्सियस क्यों मेंटेन करना है? जिससे कि माइक्रोबियल एक्टिविटी ना हो और वो रुक जाए. ठीक है, दूसरी चीज आपने यहां पर हिपेरिन ऐड करना है. क्या ऐड करना है? हिपेरिन. क्या ऐड करना है बच्चों? हिपेरिन. क्या ऐड करना है? हिपेरिन. हिपेरिन क्यों ऐड करना है? ये एंटी क्वागुलेंट होता है. क्योंकि ब्लड बॉडी से बाहर आ रहा है तो वो क्वागुलेट कर जाएगा, तो वो इन नलियों में फंस जाएगा, इन ट्यूब्स में फंस जाएगा, तो इसलिए हिपेरिन ऐड करना है. अब ये ब्लड जाएगा डायलाइजर में. डायलाइजर में क्या है? लंबी लंबी ट्यूब्स है जिसके ऊपर क्या कवर्ड है? सेलोफेन. क्या कवर्ड है? सेलोफेन. क्या कवर्ड है? सेलोफेन. ठीक है, यस. अब हो क्या रहा है ये देखो, मैं यहां पे बनाती हूं एक. ये है ब्लड और इसके बाहर है डायलाइजिंग फ्लूइड. डायलाइजिंग फ्लूइड इज कंप्लीटली आइसोटोनिक टू योर ब्लड. मतलब इसकी ऑस्मोलारिटी भी 300 है, इसकी भी 300 है.
ठीक है, इसमें भी ग्लूकोज है, आपके ब्लड में भी ग्लूकोज है, सब कुछ सेम है एक्सेप्ट फॉर नाइट्रोजनस वेस्ट। तो यहां से यहां पे कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रोजनस वेस्ट का ज्यादा है, तो फ्रॉम हायर टू लोअर, फ्रॉम हायर टू लोअर, फ्रॉम हायर टू लोअर थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, थ्रू सिंपल डिफ्यूजन ये निकल गया बाहर। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन से निकला ये बाहर। अब जो ब्लड है, इस ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा, नाउ इट इज कंप्लीटली फिल्टर्ड। अब ये ब्लड जाएगा दूसरी वाली पाइप में, ट्यूब में। अब यहां पे इसे बॉडी में भेजने से पहले वापस 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है और वापस से ऐड करना है एंटी हिपेरिन। क्या ऐड करना है? एंटी हिपेरिन, ठीक है, वरना तो ब्लड कभी कोएगुलेट ही नहीं करेगा तुम्हारा। ठीक है, अब ये ब्लड नाउ इज रेडी टू गो इन द बॉडी इन द रेडियल वेन। इस तरीके से प्रोसेस चलता जाएगा, ब्लड पूरा फिल्टर होता जाएगा। ठीक है, नाइस। और मेरा गला बहुत खराब हो चुका है, यस। चलो, ये तो पूरा हीमोडायलिसिस। टेक द स्क्रीनशॉट गाइस, टेक द स्क्रीनशॉट। Yes. Now factors in improving the results of transplant surgery are. तो ये कुछ transplant surgery के आप factors हैं जिसे आप improve कर सकते हो, जैसे immunosuppressant drugs. ठीक है? Next. Yes. We are done with today's NEET Mantra. छोटा सा था, quick था, जिसमें हमने दो concept किए, major histocompatibility complex पढ़ा हमने, kidney transplant पढ़ा, major NEET के points cover किए कि T helpers, T cytotoxic या T killer cells होते हैं which are responsible for graft rejection. उसके बाद हमने hemodialysis किया, जिसमें हमने किया कि जितना भी nitrogenous content blood से dialyzing fluid में जाता है, it goes through the process of simple diffusion. तो ये कुछ points हैं जो extreme important है आपके लिए, ठीक है? So guys, see you again with another NEET mantra, right? So keep watching me and keep watching my one shot video on photosynthesis. Bye guys, take care and do not forget to join our Telegram group. And भाई ये तो बनता है, नीट मंत्रा तुम्हारे डिमांड पे आते हैं, तो मेरे भी तो एक बात मानो, सब्सक्राइब करो चैनल यार, सब्सक्राइब करो चैनल, एक लाइक करो वीडियो को, शेयर करो हमारा वीडियो, राइट? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो हम आपसे बहुत दूर हैं, आप अपना प्यार दिखा सकते हो इस बटन के थ्रू, यस। ठीक है, कनेक्ट करो हमारी फैमिली से, हिस्सा बनो एंड शो अस द लव मैन, शो अस द लव, है ना? चलो बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।